प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें क्या है वो भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में की शुरुआत किया, आडवाणी जी को भारत रत्न हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व का क्षण है, जिसका ऐलान आज ही किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आडवाणी जी ने परिवारवादी विचारधारा को चुनौती दी है। अपने संबोधन में आडवाणी जी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए। मैं तीसरी मुख्य बात है कि बजट की जो घोषणाएं हैं वो गरीबों को सशक्त करने की गारंटी के तौर पर है। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि जो देश का बजट है वो गरीबों, महिलाओं, किसानों को सशक्त करने की गारंटी देता है। महिलाएं, युवा, किसान, सबके विकास की गारंटी बजट देता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीब लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं, जो गरीबी रेखा है उससे बाहर निकले हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ की परियोजनाओं के लिए ओडिशा के लोगों को बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दी। साथ ही पीएम ने कहा कि बीते 10 साल में 4 करोड़ घर दिए गए हैं और आगे आने वाले समय में 2 करोड़ घर और दिए जाएंगे, जिसमें से ओडिशा में 25 लाख घर बनाए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मछली पालकों के लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। मत्स्य योजना के तहत जो मिलने वाली राशि है उसे भी बढ़ाया गया है। मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुख्य बातें हैं जो हमने आपको बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ओडिशा के संबलपुर में मौजूद थे, जिन्होंने संबोधन में ये मुख्य बातें कही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। लड्डू बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आज उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने लगभग 28,980 करोड़ रुपए की लागत की कई विद्युत परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया और उनकी आधारशिला रखी। उन्होंने ओडिशा के अंगुल जिले में NTPC तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज की आधारशिला रखी। ये विद्युत परियोजनाएँ ओडिशा के साथ साथ कई अन्य राज्यों को भी किफायती बिजली की आपूर्ति करेंगी। पीएम मोदी ने लगभग 2110 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों की 3 सड़क क्षेत्र परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 2146 करोड़ रुपए की लागत की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। वहीं प्रधानमंत्री ने संबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी, जिसकी वास्तुकला शैल श्री पैलेस से प्रेरित है। इसके अलावा उन्होंने झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने पुरी सोनेपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को भी आज हरी झंडी दिखाई, जिससे क्षेत्र में रेल यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने IIM संबलपुर के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान इस पर तैयार एक मॉडल का भी अवलोकन किया। पीएम मोदी ने राज्य को विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसका लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का भी शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर शरीक हुए। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जांच और न्याय के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नई आपराधिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति जरूरी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा यह कार्यक्रम राष्ट्रमंडल देशों के बीच न्याय और कानून के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर शरीक हुए। पीएम ने अपने संबोधन में नई आपराधिक चुनौतियों से निपटने के लिए नए नजरिए के साथ काम करने की जरूरत पर बल दिया। द राइज ऑफ क्रिप्टोकरेंसी एंड साइबर थ्रेट्स आर पोजिंग न्यू चैलेंजेस। 21st सेंचुरी चैलेंजेस कैन नॉट बी फॉट विद अ 20th सेंचुरी अप्रोच। देयर इज अ नीड टू रीथिंक, रीइमेजिन एंड रिफॉर्म। दिस इंक्लूड्स मॉडर्नाइजिंग लीगल सिस्टम्स दैट डिलीवर जस्टिस। दिस इंक्लूड्स मेकिंग अवर सिस्टम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। न्याय के क्षेत्र में भारत में हुए प्रयोगों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि भारत अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने इवनिंग कोर्ट और लोक अदालतों जैसे प्रयासों में मिली सफलता का भी जिक्र किया। In 2014, the people of India blessed me with responsibility of becoming the Prime Minister. Before that, I worked as the Chief Minister in the state of Gujarat. Back then, we decided to set up evening courts. This helped people attend court hearing after their work hours. This gave justice but also saved time and money. Hundreds of thousands of people benefited from this. Friends, India also has a unique concept of Lok Adalat. It means people's court. This court provides a mechanism to settlement of small cases related to public utility services. This is a pre-litigation process. Such courts have resolved thousands of cases and ensured easy justice delivery. प्रधानमंत्री ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए भारत में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों से लोगों को न्याय की प्राप्ति में बहुत आसानी होगी। India is also modernizing laws to reflect the present realities. Now, the 3 new legislations have replaced more than 100-year-old colonial criminal laws. Earlier, the focus was on punishment and penal aspects. Now, the focus is on encouraging justice. Therefore, citizens have a sense of assurance rather than fear. न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां विषय पर आयोजित ये सम्मेलन न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और आधुनिक कानूनी शिक्षा में सुधार पर विमर्श की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया भर के दिग्गज कानून जानकारों का यह सम्मेलन न्याय और कानून क्षेत्र में वैश्विक सहयोग मजबूत बनाने की भी शानदार पहल है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सांसद खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों में उत्साह, आत्मविश्वास नजर आ रहा है। आज खेलों के लिए सरकार का भी वही जज्बा है जो मैदान में हर खिलाड़ी का होता है। सांसद खेल महाकुंभ, उसमें जो उत्साह दिख रहा है, जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, आज हर खिलाड़ी की, हर युवा की पहचान ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बन चुका है। आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाड़ी की होती है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि बीजेपी सांसद खेल महाकुंभ ने जिलों में, राज्यों में लाखों खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। ये खेल महाकुंभ नए खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का नया माध्यम बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि खेल युवाओं को बहुत सी बुराइयों से भी बचा कर रखते हैं। खेलों की एक बहुत बड़ी ताकत ये भी होती है कि खेल युवाओं को बहुत सी बुराइयों से बचा कर रखते हैं। खेलों में इच्छा शक्ति मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ती है,
हमारा फोकस क्लियर रहता है। चाहे ड्रग्स का जाल हो, दूसरे पदार्थों की लत हो, जो खिलाड़ी हैं वो इन सब से दूर रहता है। इसलिए खेल व्यक्तित्व के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये तस्वीरें उनके आवास की हैं, जहां पर वो सबका अभिवादन कर रहे हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। वो हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका संसदीय आचरण हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी के योगदान की सराहना की है। पीएम ओडिशा के संबलपुर में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने को देश के एक महान सपूत का सम्मान बताया। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हमारे राष्ट्रीय विकास में उनके महान योगदान की मान्यता है। इन सालों में कई मायनों में उन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण क्षणों को आकार दिया। सरकार में उनका नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन में भूमिका प्रेरणादायक रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है।
गर्व की बात है कि भारत का एक ऐसा सपूत जिसने पूरा जीवन देश सेवा में लगाया, पूरा जीवन राष्ट्र की जनता की सेवा में समर्पित किया, और भारतीय जनता पार्टी को आज की ऊंचाई तक पहुंचाने में एक आधार स्तंभ की तरह जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे हम सबके प्रिय, हम सबके मार्गदर्शक मान्य श्रद्धेय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजाद भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक, जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा भी की, संकल्प भी लिया। ऐसे हमारे प्रिय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, उससे करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर प्रसन्नता आई है। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देता हूँ। आजाद भारत के सबसे बड़े नेताओं में से और स्टेट्समैन के रूप में भी जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बहुत विस्तार करने वाले, और जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा भी की, संकल्प भी लिया, ऐसे हमारे प्रिय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आडवाणी जी को बधाई देता हूँ। वहीं लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने कहा कि मुझे और पूरे परिवार को बहुत खुशी है। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है, वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं, मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज़ बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, और देश की जनता का जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के पुत्र जयंत आडवाणी ने अपने पिता को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। माय फैमिली एंड मी आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड ऑन दिस न्यू डेवलपमेंट। आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर कन्फरिंग दिस अवार्ड ऑन माय फादर। My father has been in public life for many decades and his contribution to public life has been immense, and it is wonderful to note that at this stage of his life his efforts are being recognized in this magnificent way. Once again, thanks a lot to the government of the day. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 22 फरवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम भी पहुंच रहे हैं। अब राम मंदिर में निर्माण कार्य फिर से शुरू होने जा रहा है, और इस बाबत जानकारी देते हुए श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये मंदिर में निर्माण कार्य फिर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें मंदिर के परिक्रमा की दीवार के कार्य के साथ साथ प्रथम और द्वितीय तल पर राजा राम के भव्य दरबार का कार्य भी शामिल है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि साल 2024 के दिसंबर तक राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। मंदिर में अब पुनः निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, और मुख्य रूप से जो परकोटा का कार्य पूरा करना है, जो एक 795 मीटर की परिक्रमा की दीवार है, उस कार्य को पूरा किया जाएगा, और उसी के साथ जो लोअर प्लिंथ पे मंदिर के आइकनोग्राफी है उस कार्य को भी शुरू होगा, और सबसे बड़ा कार्य जो मंदिर को पूर्ण किया जाना है प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे जहाँ की राजा राम का दरबार होगा, उस कार्य को अब तत्काल प्रारंभ किया जाएगा।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने धर्मशाला में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के विकास के साथ साथ प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हब बनाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हिमाचल के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। गांव-गांव जाके बताइए मोदी जी ने आपकी चिंता की। जब तकलीफ था 1782 करोड़ रुपए, और इतना ही नहीं, मैंने चिट्ठी लिखी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री को, अनुराग जी ने भी चिट्ठी लिखी, और उसके कारण आज 11,000 घर एक्स्ट्रा घर, जिनके मकान टूटे थे उनके लिए 11,000 घर का सैंक्शन किया गया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के दक्षिण भारत को अलग देश बनाए जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत एक है, कोई भी देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। डीके सुरेश जो मेंबर पार्लियामेंट है वो क्या कहता है कि जीएसटी का पैसा दक्षिण भारत ज्यादा देता है और उत्तर भारत पर ज्यादा खर्च होता है, और ये हमारे लिए अन्याय है। वो भूल जाता है कि भारत एक है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब एक है। वो कहता है कि दक्षिण के लोग ज्यादा जीएसटी देते हैं और ये उत्तर में खर्च होता है। आने वाले समय में मैं अलग देश की मांग करूंगा, ये डिमांड डीके सुरेश मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी उठाती है। और चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के लिए सीएम आवास पहुंची। आपको बता दें कि भाजपा नेता आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इन्हीं आरोपों के खिलाफ प्रदेश की भाजपा टीम ने 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से मुलाकात कर शिकायत दर्ज की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला, और हमला बोलते उन्होंने कहा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस को केजरीवाल के घर जाना पड़ा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनके विधायकों को खरीदने के प्रयास का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल को देश और पुलिस को सबूत देने ही चाहिए। केजरीवाल अपने शराब घोटाले से बचने के लिए बीजेपी पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे, और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी, और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी 5 बार उनको समन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में है, और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है, गठबंधन बिखर रहा है। पहले नीतीश कुमार और अब ममता बनर्जी ने भी गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। अब तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है, तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही है, और ये भी कह रही है
कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। वहीं भाजपा नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि ममता 40 सीटें तो ज्यादा कह रही है क्योंकि वो कांग्रेस के प्रति थोड़ी भावुक हैं। हम तो कांग्रेस को 10 सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं है। 40 सीट तो वो ज्यादा कह रही है क्योंकि थोड़ी इमोशनल है वो कांग्रेस के प्रति, हम तो 10 सीट से भी ज्यादा देने को तैयार हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। आज शाम होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। 3 दिवसीय सत्र में विस्तृत चर्चा के बाद इस पर मोहर लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। कल यूसीसी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम ने ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। पीएमएलए कोर्ट रांची ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। उन्हें 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कल ही राज्य में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 5 फरवरी से झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कल ही झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इस बीच सत्ता पक्ष के विधायकों को एकजुट रखने के लिए कल 3 दर्जन से अधिक विधायकों को हैदराबाद भी ले जाया गया है। ये सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन ही सीधे हैदराबाद से रांची विधानसभा पहुंचेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दो, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। हर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत और भारतीयों का बेहतर कल। 2019 से देश को मिला वो मंत्रालय जिसने वादा किया हर घर जल का। मंत्रालय गंगा सफाई से लेकर हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए की गई शुरुआत का हिस्सा था। आज गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव तक भी 100% नल से जल पहुंच गया है। क्रमशः वे पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। योजना ने अब तक अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया है। आजादी की 7 दशक बीत जाने के बाद भी भारत के कई राज्य और ग्रामीण क्षेत्र पानी की कमी से बदहाल स्थिति में थे। WHO की रिपोर्ट भी हर घर जल कार्यक्रम से सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालती है। 2023 में 13 और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जो दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाते थे, अब उनका खुद का भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। जी हां, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना यानी PM जय के दायरे में लाने की घोषणा की है। इससे आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनका परिवार भी अब मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सुविधाओं का सीधा फायदा उठा पाएगा। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। गांव-गांव और घर घर को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेहत का ध्यान भी अब सरकार रखेगी। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने इन आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है।
दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाने वाली इन कर्मियों को अब अपना आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। इससे देश भर की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर है। 5 लाख का इलाज जो फ्री आयुष्मान कार्ड भारत के लिए हमें दिया जा रहा है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का कि उन्होंने हमें 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया है आयुष्मान भारत के तहत। और आशा सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए कि सर ने हमें मुफ्त बीमा दिया है। मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई है, हम आंगनवाड़ी वर्करों के लिए, हेल्परों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। हमारे गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा किया है, जिससे हम अपनी बीमारियां मतलब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। अभी तक जो हम लोग गाँव-गाँव जा कर के लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के बारे में भी सोचा और आयुष्मान कार्ड सभी आशाओं का बना रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों का परिवार इसका लाभ उठा पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिम बजट में इस घोषणा के साथ ही देश की 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता और 25 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आ गए। ये लोग अब मुफ्त इलाज और मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास सचिव इंदिवर पांडे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने से इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही इससे 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बहुत बड़ा कदम है। आप देखें कि 25 लाख आंगनबाड़ी वर्कर हैं और ज्वाइंट फैमिलीज में मोस्टली गाँव में रहती हैं, तो उसको अगर हम 6 की फैमिली का साइज लें तो 1.5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा, डायरेक्ट फायदा होगा। और ये जो इंश्योरेंस इससे जो मिलेगा तो घर में हर समय कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो एक मन में एक जो बहुत बड़े खर्चे का डर रहता है वो एक खत्म हो जाता है। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए पीएम मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना यानी पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर जनसंख्या को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर उनका भी मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और अब तक 6 करोड़ 27 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज लिया है। इससे गरीब परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। योजना में करीब 2000 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 27,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। कुल इलाज कराने वालों में 48% महिलाएं हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ और मिलेश भट्ट और नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। वहीं रियल एस्टेट संगठन नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2 और 3 फरवरी को राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में रियल एस्टेट क्षेत्र में नए जमाने के ट्रेंड और टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सरकारी सहायता, अफोर्डेबल हाउसिंग, रेरा के प्रभाव, फाइनेंस के विकल्पों, तकनीक के एकीकरण और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नाडेको के सदस्य रवि रेड्डी ने बताया कि उन्होंने देश भर के रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को एक मंच दिया है। ये 5 साल में हो रहा है। यहाँ पर सरकार की रियल एस्टेट की नीतियों पर चर्चा होती है। ये जो कन्वेंशन नाडेको का है, ये 5 साल के बाद ये जो हो रहा है, ये एक मंच पे पूरा देश से रियल एस्टेट डेवलपर्स को ला रहा है। इधर हम गवर्नमेंट के सभी रियल एस्टेट के ऑफिसेस और मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से इंटरेक्शन भी होती है, उन पॉलिसी लेवल डिस्कशंस होती है, रेरा के चेयरमैन से जो है उनके इनपुट्स लेते हैं, फिर जो भी नए डेवलपमेंट्स है वो स्टेट बॉडीज अपने अपने स्टेट्स में लेके जाते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में INS संधायक के जलावतरण समारोह में शामिल हुए। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वरिष्ठ नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी शिरकत की।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का ये भारतीय नौसेना के लिए गौरवान्वित करने वाला है। साथ ही उन्होंने INS संधायक के लिए भारतीय नौसेना को बधाई दी है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन हिस्टोरिकल है। INS संधायक का हमारी नौसेना में शामिल होना निश्चित रूप से हमारी नौसेना की इस पूरे क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता करेगा। मैं भारतीय नौसेना को INS संधायक प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा करना हमारी संस्कृति को दर्शाता है। आज हम अपने साथ साथ अपनी सीमाएं, खासकर हिंद महासागर और हिंद प्रांत की रक्षा बखूबी कर रहे हैं। जब आप अपनी सुरक्षा से ऊपर उठकर दूसरों की सुरक्षा करते हैं तो आपके संस्कार दिखाते हैं, आपकी संस्कृति यानी आपकी कल्चर को यह परिलक्षित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, अनेक मोर्चों पर हम कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम लगातार अपनी सुरक्षा के लिए सदैव आगे बढ़ते रहे। हमने अनेक आघातों से अपनी सुरक्षा की और आज विकास के क्रम में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। खासकर यदि मैं अपने नेवल पावर की बात करूं, तो हमारी नौसेना इतनी सशक्त हो चुकी है कि हम हिंद महासागर तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिक्योरिटी के मामले में फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन गए हैं। यह मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। इसके बाद रक्षा मंत्री ने बताया कि किस प्रकार से कुछ दिन पहले ही समुद्री लुटेरों ने एक विदेशी जहाज को अपना शिकार बना लिया था, पर हमारी भारतीय नौसेना ने बड़ी बहादुरी से इस जहाज को सुरक्षित बाहर निकाला था। बीते दिनों आप जानते हैं कि किस प्रकार से समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में हमारे कोस्ट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर यमवी लीला नॉर्फक नामक एक जहाज को हाईजैक करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय नौसेना ने अपनी सूझबूझ व साहस का परिचय देते हुए उस जहाज को लुटेरों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। संयुक्त अरब अमीरात में भी इन दिनों सनातन धर्म की ध्वनियां गुंजायमान है। अबू धाबी में बाप्स द्वारा निर्मित बहुप्रतीक्षित हिंदू मंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 फरवरी को भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि साल 2018 में प्रधानमंत्री ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। आइए आपको दिखाते हैं अबू धाबी से एक खास रिपोर्ट। दुबई की बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी बाप्स द्वारा निर्मित बहुप्रतीक्षित हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में करेंगे। ये मंदिर शानदार गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। मंदिर जटिल नक्काशी और पारंपरिक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू समुदाय की आबादी 2 मिलियन से भी अधिक है। अबू धाबी के अबू मुरीखा के शांत रेगिस्तान में ये स्थान पूजा के लिए सर्वथा उपयुक्त है, जो प्राचीन कहानियों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रमाण है। खूबसूरत मेहराबों और जीवंत पत्थरों पर नक्काशी के साथ ही कुशल कारीगरों ने अपने हुनर से इस इमारत में जान फूंक दी है। 108 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर दूर से ही देखे जा सकते हैं। मंदिर वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक असाधारण मिश्रण है, जिसके निर्माण में लोहे, स्टील या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर चेक गणराज्य से लाए गए 6 पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही 3 जलधाराओं को भारत की 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के प्रतीक के तौर पर दर्शाया गया है। वर्ष 1997 में संस्था के आध्यात्मिक नेता स्वामी महाराज ने अबू धाबी में एक मंदिर की स्थापना की घोषणा की थी। उस समय उनके इस कथन पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। ये मंदिर आध्यात्म के साथ ही आधुनिकता का भी अनूठा उदाहरण है। ये पहला मंदिर है जिसकी नींव में 300 सेंसर लगाए गए हैं। मंदिर की नक्काशी न केवल कारीगरों के व्यक्तिगत कौशल को प्रदर्शित करती है, बल्कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी प्रतीक है। विनोद कुमार के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दुबई। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापत्तनम में आज दूसरे टेस्ट के
दूसरे दिन पहली पारी में इंग्लैंड की टीम ने 253 रनों पर ही सिमट गई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 143 रनों की बढ़त ली है। इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा 46 रन जैक क्राउली ने 76 रन बनाए और उनके अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। 47 रन बनाने वाले बेन स्टोक्स टीम के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 6 विकेट चटकाए। उनके अलावा कुलदीप यादव ने 3 और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 396 रन बनाए। भारत ने आज सुबह पहले दिन के स्कोर 6 विकेट पर 336 रनों के आगे खेलना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल ने आर अश्विन के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। हालांकि अश्विन 20 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर आउट हो गए। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल ने रन बनाना जारी रखा और अपना दोहरा शतक पूरा किया। वो 209 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भारत के बाकी बचे विकेट जल्द ही आउट हो गए। इंग्लैंड के लिए एंडरसन, शोएब बशीर और रेहान अहमद ने 3-3 विकेट लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए खबरों का आगे का सिलसिला। सहयोगी शहला के साथ नमस्कार।